तो आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डे हम लेट हो गए कॉलेज बीजीबी ऑटोनॉमस कॉलेज में। एंड अभी बजे हैं 10:15 में, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली थी 10 बजे, बट हम पहुंचे 15 मिनट लेट। वैसे श्रुति भी आ रही है, 10:02 को पहुंच गई तू 10:02 को। अरे मेरा ऊबर का ओला कैंसिल हो रहा था ना, दिन लेट अच्छा नहीं लगता है यार। हमारी जेना बहुत गुस्से में है, कोई बात नहीं। मेरे को लगता है कि टीचर भी लेट ही आए होंगे, पर लेट्स होप कि देखते हैं क्या होता है। हम याद रहेंगे अगर हम लेट जाएंगे तो। ऐसे ही तो बच्चे याद रहते हैं। तो आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डे हम लेट हो गए। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा जाए। इट्स अ न्यू जर्नी ऑफ आवर लाइफ। हम लोग होप करते हैं कि ये बहुत अच्छे से करें एंड ये 1.5-2 साल जो है हम अच्छे से इन्वेस्ट करें। सो प्लीज़ विश अस लक। ऑल्सो और एक चीज़, ये वाली जो आउटफिट है ये हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म, ये हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म कुछ और है, बट हम लोग ने नई बनाई नहीं है। पुरानी वाली थोड़ी फिटिंग हो गई है, जेना की नई थी नहीं, तो हम लोग 1 वीक तक ये पहन सकते हैं, बट उसके बाद में आपको रेगुलर कॉलेज ड्रेस पहननी होगी। पीछे आपको कहीं दिखाई चिल चिल जस्ट चिल। ब्रेकफास्ट करके नहीं आए बिकॉज हम क्या कर रहे थे रूम में, रूम साफ। रूम को पूरा चेंज कर दिया, रूम जाके दिखाएंगे हमने। इसकी आंखें देख रही हो इसकी आंखें, इतनी गुस्से में है जैसे कि मतलब सब कुछ डाल दो भैया, थोड़ा तीखा कम डालना, गुस्से में ये पहले से है। जेना इज ऑन फायर, जेना इज ऑन फायर। इन रेट कौन होता है हम लोग, और मैं ऐसे वैसे रेट नहीं, 5-10 मिनट, आधा घंटा हो जाएगा, आधा घंटा देख, बट आधा घंटा नहीं है, आधा घंटा नहीं है, 10:25 लेट है बस। हाँ सबको पता है हम कितने दूर से आते हैं, पता है? तो दूर से आते हो तो जल्दी निकलना चाहिए था। तू जैसे पूरा निकल गई थी 9 बजे पहुँच गई थी। हाँ 2 मिनट फिर भी लेट थी कि नहीं, 2 मिनट चलेगा आधा घंटा में। चलो क्लास में मिलते हैं, आज का पहला दिन कैसे जाता है हम देखते हैं। शसलाक बाय का ओ टीडी देखो, श्रुति क्या मस्त दिख रही है आज श्रुति को देखो। मेरे को पता नहीं श्रुति को देख के बड़ी हंसी आ रही है। बड़ी बिल्डिंग है, हम उस बिल्डिंग में सबसे ऊपर में पढ़ाई करेंगे। हमारे पिछवाड़ा है कॉलेज का। हाय हाय, आज से हम दोस्त हैं, रोज आऊंगी मैं तुमसे मिलने। मैं माता बेचारी श्रुति को चिल्ला चिल्ला खींच खींच के लेके जा रही है एक्चुअली, और मैं ब्लॉक कर रही हूँ पीछे पीछे, देख रहे हो कैसे लेके जा रही है। जैसे पढ़ने में तो सबसे आगे यही है हमारी, टॉप करेगी इस घर, फर्स्ट सेमेस्टर में जेना ही टॉप करेगी, देख लेना, लिख के दे रही हूँ। हमारे क्लास रूम के क्या हमारे फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। हाँ बाल खोल और दो चोटी भी कर ले। तो हम अपने क्लास में पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं हमारा दिन कैसा जाता है। रूम नंबर 412 है हमारा, अभी 406 है, उस तरफ 412 है, उस तरफ अपना क्लास है। जल्दी चलो गाइस, लेट हो रहा है ना। और देखना अगर रूम में कोई टीचर नहीं मिला, जेना ऐसा मार खाएगी, ऐसा मार खाएगी जो मैं क्या पीछे चल चल के आ रही थी। हेलो गाइस, देखो पहले क्लास में हमने नोट्स भी बनाए, मतलब हमारे आने से पहले ही क्लास स्टार्ट हुई। सो अभी बज गए 11 एंड अभी हमारी सेकेंड क्लास स्टार्ट होने वाली है। हमारे नए दोस्त भी बन रहे हमारे। कंप्लीट हो चुकी है, अभी हमको मिला 15 मिनट का ब्रेक। भाई आज क्लास फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में ही इतना पढ़ा रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है कि रेगुलर क्लासेस है, फर्स्ट डे कोई बोल ही नहीं सकता। सो इट्स अ 15 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद फिर से और एक क्लास है, 2:15 को जाके हमारी क्लास ख़त्म होने वाली है। एंड आज हमको कॉपीज भी खरीदनी पड़ेगी, हम बस एक ही कॉपी लेके हैं, उसी में सारे नोट्स बना रहे हैं, बट हमको 4 कॉपी बनानी पड़ेगी। हमारे टोटल सब्जेक्ट्स है 8, लाइक 8 हो। फोर्थ क्लास है एंड,
श्रुति की नई दोस्त बन गई शीश प्रियंका। प्रियंका से हाय। अपने वीडियो अपलोड कर रही है, उसको इंस्टाग्राम में रील डालना था, उसके लिए बेचारी उसने क्या किया, श्रुति की आईडी से डाला और श्रुति की आईडी में डाल दिया अपनी आईडी में डालने की जगह। और वो जा रही है श्रुति, उसका उबर आ गया तो वो अपने रूम जा रही है ना, जो अपने कॉलेज का यूनिफॉर्म का कपड़ा ले रही है। सो आज ले लेगी, मेरे को भी एक लेना है तो मैं कल लूँगी। और जेना ले आई अपना कॉलेज का यूनिफॉर्म। मिलता है क्या? नहीं पता नहीं, वही 900 ही लगा था जब मैं फर्स्ट ईयर में अपना ली थी तब। सो जेना एकदम बहुत अच्छा लगता। क्या ये गाड़ी? हाँ, तू खरीदेगी? क्या खरीदेगी? ड्रीम है तो वो उठा नहीं पाऊंगी। हाँ वो तो सही बात है। बोला था अगले स्टॉप में रोकने के लिए, चले गया गाड़ी। चल 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 के चलते हैं। हाँ चल चल के चलेंगे। कभी कभी तेरे को ऐसा लगता नहीं मेरे किस्मत जेठालाल जैसी है? सब मेरे भी ऐसा ही है। मैंने तो अपना सीट दे दिया, सोचा कि नेक्स्ट स्टॉप में उतर जाऊंगी। देखो आराम से बैठा, आराम से। हमारी आंखों से गाड़ी आगे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। सो अभी मैं जा रही हूँ, हमारे हॉस्टल के पास में ही कुछ एक दुकान है, वहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक मिलता है। कल मैंने वहाँ से डोसा खाया था तो आई होप कि वहाँ पे कुछ मिल जाए। सो देखते हैं क्या होता है। मंदिर से भी ले आती बट मंदिर में आई डोंट थिंक कि अभी मिलेगा, बिकॉज 1 बजे से स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट खाना ख़त्म ही हो जाता है, थोड़ा दूर है तो और पेशेंस भी नहीं है। तो पहले देख लेते हैं वहाँ पे कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऑर्डर ही करना पड़ेगा और क्या। तो भैया जो है जहाँ से हम लेके आते हैं उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ पे पूरा प्याज लहसुन का मिलता है बिना प्याज लहसुन का। सो देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है क्या, आई होप कि मिल जाए यहाँ पे। सो फाइनली आई गॉट द फूड, मतलब जो बिना प्याज लहसुन का है वो यहाँ पे मिल गया है। सो अभी 2 दिन के लिए टेंशन ख़त्म। ये खाना मिल गया, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई। इतनी भी गंदी लाइफ नहीं है मेरी जेठालाल जैसी, कुछ अच्छी हो ही जाती है। फाइनली वो भैया ने हेल्प कर दिया कि यहाँ पे हाँ खाना मिलता है करके, वरना तो मैं यही होप के आती कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता एंड फिर मेरे को ऑर्डर करना पड़ता। ये मील जो है पूरी दाल चावल सब कुछ है, ये 80 रुपीज़ में मिल गया। और अगर मैं छोले भटूरे या नॉर्मल कुछ मंगाती 250 से कम नहीं मिलता और उसकी क्वान्टिटी और साइज़ भी छोटा होता। सो और थैंक्स टू दैट भैया काम कर रहे। ये वाला दुकान है, यहाँ पे वो शाम को बनाते हैं सारा चीज़, तो अभी प्रिपरेशन हो रही है इनकी, तो थैंक यू भैया। श्रुति देख सरप्राइज लेके आई, ये है सरप्राइज। एक्सपेक्ट किया था? मैंने श्रुति को कॉल किया था कि तेरे लिए सरप्राइज लेके आ रही हूँ, ये है तेरा सरप्राइज, ले ले। चल देखी मेरी बेइज्जती कर दी, नहीं आके रूम से भी अच्छा है। श्रुति हाउ आर यू? और 2 घंटे बाद मिलके कैसा लग रहा है मेरा चेहरा वापस देख के? मैं बोर हो जाऊंगी, तेरा शक्ल देख हटा ले जल्दी। ओके आई लुक सो 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 बैड इन द लिपस्टिक, एकदम जात्रा दिख रही है, एकदम पिंक पिंक पिंक। सो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली हूँ, जे श्रुति को अभी और एक शूट करने का है वो करके मैं अपना चेहरा धोने के बाद आपको मिलती हूँ, बाय। क्या बनी है? क्या बनी? इतना निकाल दी छी हनुमान जी, रुक मेरे फोन से लेती हूँ। हाँ सो शूट हो चुकी है, मैंने मुंह भी साफ कर लिया अपना एंड अभी जा रही हूँ कॉफ़ी का पैकेट लेने के लिए, बिकॉज हम लोग कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी लेके आते हैं, बिकॉज बहुत दिन से चाय कॉफ़ी नहीं पिया है। तो श्रुति के रूम में आने से ऐसे होता है। सो लेट्स अंकल। कहाँ गए अंकल? हमको चाहिए 2 पैकेट कॉफ़ी। कॉफ़ी है क्या? कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही यार, है कि नहीं पता नहीं। कॉफ़ी की पैकेट नहीं मिली उस दुकान में, सो उसके आगे दुकान में जाएंगे और लेके आएंगे, बिकॉज कॉफ़ी तो पीनी ही है। सो पीछे वाली दुकान में भी कॉफ़ी नहीं मिली, सो इसके आगे और एक दुकान है उसमें जाते हैं और उसमें फाइनली हमें मिल जाए ऐसा हम होप करते हैं।
इस दुकान से मुझे बहुत होप है कि यहाँ कॉफ़ी मिल जाए, सो प्लीज़ कॉफ़ी मिल जाए यहाँ पे। सो फाइनली हमको कॉफ़ी जो है वो मिल चुकी है, अभी जाते हैं श्रुति के घर पे एंड कॉफ़ी बनाते हैं। थैंक यू फॉर द कॉफ़ी एंड चाय। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया बट इसने अच्छा चाय बनाया था, सोनाली के लिए भी बनाया था। क्या दिखा दान दिखा आपने, दिखाना। श्रुति का एक एपिक चीज़ होता है, वो उसके दांत पे हमेशा लिपस्टिक लगाती है, उसके बिना लिपस्टिक लगे हुए दांत हो ही नहीं सकते, और जब खाती है तो पूरा लिपस्टिक निकाल देते हैं। अबे क्या गोरी दिख रही है अबे। ठीक है चल बाय। हाँ ये देख आओ पतला हो। सो अभी हम आए हैं कॉपीज वगैरह लेने के लिए कॉलेज के लिए, जेना भी हमको यहाँ मिल गई। हमने लिया है चाउमीन, मैंने और सोनाली ने, इसका खाना लेंगे। So we bought our copies. Let's go.